हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने टेक्नो कैमोन 30 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आपके मोबाइल फ़ोन की इनकमिंग कॉल अगर स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होती है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ़ोन पर इनकमिंग कॉल आता है तो रिंगटोन की साउंड की आवाज़ तो आती है लेकिन इनकमिंग कॉल स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होता है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। अगला काम ये करना है कि आपके है ना मोबाइल फ़ोन में सेटिंग का पेज ओपन करना है। इसमें आपको सबसे ऊपर सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पे टैप करना है। इसके अंदर आपको अपने फोन की सिम सेलेक्ट करनी है। अब यहां पर आपको नीचे की साइड ये एक्सेस पॉइंट नेम पे टैप करना है। अब ये एपीएन का पेज आता है। एपीएन के इस पेज में सबसे ऊपर ये थ्री डॉट पे टैप करना है। आपका ये छोटा सा पेज आता है, इसमें आपको रीसेट टू डिफॉल्ट का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। नीचे आपको लिखा हुआ आ जाएगा यहां पे रीसेट डिफॉल्ट एपीएन सेटिंग। इस तरीके से एपीएन सेटिंग को एक बार रीसेट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके फोन में फाइल का ऐप है, इसे ओपन करना है। इस ऐप में आपको नीचे ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। यहां पे सबसे ऊपर आपको सिस्टम ऐप लिखा है ना, इसे टैप करना है। इस पेज आप नीचे आएंगे तो आपको एंड्रॉइड सिस्टम का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको ये स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है। यहां पर आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला काम ये करना है, इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहां पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है। नीचे आपको सिस्टम अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। देखिए यहां पर आपको ऑनलाइन अपडेट पे टैप करना है। अब आपको इसे कंटिन्यू करना है तो आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहां पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का सेटिंग पेज आप ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन में जितना भी डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है, ठीक है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।